भारत के कई राज्यों में मॉनसून की विदाई होने के बाद भी बारिश का दौर जारी है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत कई और राज्यों में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी इन राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बीते 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को यानी कि आज बारिश की संभावना जताई है। हालांकि बीते दिन यानी कि 8 अक्टूबर को बिहार का मौसम साफ रहा, आसमान में कहीं भी बादल नहीं छाए रहे, ना ही कहीं बारिश हुई, लेकिन 9 अक्टूबर को यानी कि आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने कहा है कि बारिश दुर्गा पूजा में खलल डाल सकती है। 8 और 9 अक्टूबर को भी मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया था। हालांकि बीते दिन तो मौसम साफ रहा, लेकिन आज बिहार के कई जिले में बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब जब दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुलने लगे हैं तो ऐसे में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और दुर्गा पूजा का सारा मजाक किरकिरा हो सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज किन राज्यों में बारिश के आसार हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की करें तो देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की विदाई के साथ ही गर्मी भी बढ़ने लगी है। बीते सोमवार और मंगलवार को दिल्ली NCR में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 10 दिनों के बाद दिल्ली में गर्मी का प्रकोप रहेगा, इसके बाद ठंड की शुरुआत होगी। IMD ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद दिल्ली में सुबह शाम के तापमान में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वहीं बिहार में आज और कल बारिश से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल और उसके आसपास के उत्तरी भागों के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो समुद्र तल से औसतन 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। इसके प्रभाव से अगले 3-4 दिनों के बाद ही बिहार में बारिश की संभावना दिख रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज बिहार के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना काफ़ी कम है। साथ ही बता दें कि स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के बाद तेलंगाना, कोंकण, गोवा और छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में मध्यम बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। यानी कि दुर्गा पूजा के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बारिश हो सकती है, कई राज्यों में हल्की तो कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा में बारिश खलल डाल सकती है। हालांकि बिहार की बात करें तो आज कई जिलों में पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा बारिश की संभावना जताई जा रही है, और यदि बारिश होती है तो कई जगहों पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनकर तैयार हो चुका है, और ऐसे में बारिश होती है तो फिर लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, पूजा में समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि यदि बारिश होती है तो पंडाल इससे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। IMD के अनुसार कम चांसेस है कि बारिश होगी, लेकिन पूर्वानुमान जताए जा रहे हैं उसके मुताबिक कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। एक बार फिर से बता दें कि बिहार में बीते दिन 8 अक्टूबर और आज 9 अक्टूबर को लेकर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी। बीते दिन तो बारिश नहीं हुई, लेकिन आज संभावना है कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि फिलहाल दिन का मौसम साफ रहेगा, दोपहर तक शायद मौसम करवट बदले।